हेलो एवरीवन, मैं विषय कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं SHM के अंदर जो वैरायटीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच के प्लॉट, उनके बीच के ग्राफ की। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जैसा लिखा है मैंने बोर्ड पे, हम पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो SHM की इक्वेशन क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन a sin ओमेगा t। ये इक्वेशन कब होगी, पिछले लेक्चर में हमने बात करी इसके बारे में। वैसे क्या होता है, ये sin ओमेगा t प्लस पाई नॉट होता है, जनरल पाई नॉट लेके भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना है। ये SHM की इक्वेशन, ये मेन क्वेश्चन जब आप देखते हैं तब होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये साइन का प्लॉट है, ड्रॉ कर लो इधर टाइम इधर डिस्प्लेसमेंट। ये जो साइन का कर्व है वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहा आपका। अब सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकंड बात करने जा रहे हैं अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वेलोसिटी है dx अपॉन dt, t आ गया d बाय dt, x की जगह a sin ओमेगा t, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अपने पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, तो कोसाइन प्लॉट है, कॉस का प्लॉट है ये, जो ड्रॉ कर सकते हैं आप ही, जो कॉस का प्लॉट होगा, जो कॉस का ग्राफ होगा वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम, और t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, मीन t इज इक्वल टू 0 मतलब कि मीन पोजीशन स्टार्ट। मीन पोजीशन इसलिए कह रहा हूं कि a sin ओमेगा t लिया था ना हमने, phi नॉट नहीं था, पिछले लेक्चर में बता दें मैंने, अगर फेस कांस्टेंट phi नॉट नहीं है मतलब कि बॉडी को ऑब्जर्व कहां से करो, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ऐसे भी समझ में आ सकता है आपको कि अगर t इज इक्वल टू 0 रखोगे आप तो cos 0 1, तो वेलोसिटी कॉस की वैल्यू 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू है वो, फिर वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम ए ओमेगा। ये कोसाइन प्लॉट, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड लेते हैं अपन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये भी आसान है, इजी है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्सीलरेशन। तो मेरे बनाने से पहले बना लो आप, मेरी जरूरत नहीं है इसमें। v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सीलरेशन डीवी अपॉन डीटी, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, और ओमेगा एक बार आएगा तो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मतलब कि ये भी साइन का प्लॉट है लेकिन माइनस इनवर्स साइन, साइन इनवर्स नहीं, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं। ये साइन होता कि ऊपर से जाता ना, माइनस साइन तो नीचे से शुरू हो रहा है ऐसा, ठीक देख लो इसका उल्टा, जहां पर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये तुमने पढ़ा है ना कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। तो देखो देख रहा है यहां पर डिस्प्लेसमेंट ही पॉजिटिव, ऊपर एक ग्राफ थी, नीचे एक्सीलरेशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो देखो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, मतलब कि टेक्निकली जो हमें चीजें पढ़ी हैं वो भी सही हैं, उसके साथ अग्री कर रही है। ये रहा आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। फोर्थ कौन सा ले लें, फोर्थ एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जितने भी पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं SHM के अंदर मैं सबको डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, ग्राफ वगैरह आपसे पूछ दिया करते हैं पेपर्स में तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। फिर आइए, तो कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना है, SHM में एक्सीलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर तो एक कॉन्स्टेंट है, या इसको ये भी लिखते हैं ना, ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स के वाई एम इन टू एक्स, ये छोड़ दो, ये मत लिखो, f is equal to minus k होता है, a is equal to minus omega square x, या a is equal to minus k by m into x, तो omega square तो constant है, तो ये क्या हो गया, a proportional to minus x, तो y is equal to mx का format ही है,
है ना। लेकिन यहां पे नेगेटिव स्लोप नेगेटिव है, मतलब कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव स्लोप वाली प्लॉट होगी ये ऐसी। देख लो दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ना, ये वाई पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है। ए इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स वाला फॉर्मेट है, स्लोप नेगेटिव थी इसलिए ये देख लो आप ये जो एंगल है वाई इज इक्वल टू में स्लोप नेगेटिव है, ये एंगल देखो 90 से ज्यादा। ये हो गया एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब कौन सा बचता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखते हैं आ जाइए। तो जिससे आप अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके सारा नोट करिए। अब बात करते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की। Velocity displacement graph. तो velocity का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पिछली क्लास में, v is equal to omega under root a square minus x square. बॉडी अगर मेन पोजिशन से एक्सिस्टेंस पर होगी तो बॉडी की velocity रहती है इतनी। ये हमने पहले पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है, ये फॉर्मूला बाकायदा डिराइव है अपने पास। और निकालते हैं इसे v और x के बीच में ग्राफ चाहिए तो v by omega is equal to under root a square minus x square और ये आ गया v square by omega square is equal to a square minus x square, ये आ गया v square by omega square plus x square is equal to a square, ए स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो आ गया वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देखें और ये जो ग्राफ नजर आ रही है आपको, जो इक्वेशन नजर आ रही है, ये इक्वेशन किसकी है? ग्रेविटेशन ने इस तरह की इक्वेशन चर्चा करी मैंने कोने सेक्शन में, अगर आपने पढ़ लिया होगा तब तो आप जानते ही होंगे। ये एल एक्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई b square is equal to 1, ये ग्राफ कैसी है? एलिप्स से ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का प्लॉट एक एलिप्स है। और पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, अगर x जीरो कर दोगे तो v आएगा v square बराबर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा प्लस ओमेगा a, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा a। और v जीरो कर देंगे, वेलोसिटी जीरो कहां पे होती है? एम्पलीट्यूड पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो v जीरो कर देंगे, ये वाला टर्म जीरो, तो x स्क्वायर बराबर है x बराबर प्लस माइनस है, तो ये प्लस a ये माइनस है, क्वाड्रेंट वाली देखो तो माइनस a कॉमा जीरो, a कॉमा जीरो, और ये आ जाएगा जीरो कॉमा माइनस ओमेगा a और ये आ जाएगा जीरो कॉमा ओमेगा। ये देखें डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी मैक्सिमम, और अगर डिस्प्लेसमेंट सॉरी मैक्सिमम ए एम्पलीट्यूड से अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती ना, वो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम तो वेलोसिटी जीरो, जो अपन जानती भी है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जब बॉडी पहुंच जाती है तो वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है, ना एलिप्स। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का प्लॉट कैसा है? एलिप्स। तो सब चीजें रटने वाली नहीं, आप बड़े आराम से खुद डिराइव कर लोगे। अब कौन सा बचता है? अब बचता है वेलोसिटी एक्सीलरेशन प्लॉट, आइए वो भी देखिए। सिक्स प्लॉट है अपना एसएचएम के अंदर वेलोसिटी एक्सीलरेशन ग्राफ। वेलोसिटी लेकर आए थे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, थोड़ी देर पहले देखा था हमने। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिफरेंशिएट किया था, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था यह वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर एक्सीलरेशन लेके आ गए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। हमें चाहिए वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का प्लॉट चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं वी वी बाई ए ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, और यहां लिख सकते हैं ए बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना होता है? वन। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर दोगे तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर, और ध्यान से देखना जरा नीचे का स्क्वायर करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का आ गया ओमेगा टू दी पावर फोर
ए स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो आ गया वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी 20। ये है ग्राफ और ये इक्वेशन भी वैसे ही नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मतलब ये प्लॉट भी कैसा होगा, ये प्लॉट भी होगा आपका एलिप्स के जैसा। अब यहां से जो मेन पोजीशन पे जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है बॉडी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और मेन पोजीशन पे लौटती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। मेन पोजीशन पे लौट गई मतलब एफ इज इक्वल टू जीरो, मेन पोजीशन पे फोर्स कितना होगा, जीरो, और एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो। आप देख लीजिए एक्सेलरेशन जीरो करोगे ये वाला टर्म जीरो होगा तो वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वी बराबर प्लस माइनस ए ओमेगा, ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ना मैक्सिमम ए ओमेगा मिल सकती है, तो एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो करेंगे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिल जाएगा। रख के देख लो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर यही हो सकती है ना ये, तो ये भी प्लॉट हो गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का भी जो प्लॉट है ये भी एक इलेप्टिकल प्लॉट होगा। तो अगर एक्सेलरेशन, अगर इस एक्सेलरेशन वाले एक्सिस पे वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो करोगे तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉमा जीरो, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉमा जीरो। और अगर आप एक्सेलरेशन जीरो कर देंगे ये जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी बराबर वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा जीरो कॉमा ए ओमेगा, और ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस ए ओमेगा। तो ये छह पॉसिबल प्लॉट्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के में एक दूसरे की फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी यहां पर। तो ये पॉसिबल प्लॉट्स हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन के मदद से अगर आपको बेसिक इक्वेशन एक्सटेंशन की याद है तो कोई सी भी रिजल्ट कोई सा भी प्लॉट आप बड़े आराम से खुद से निकाल सकते हैं, रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, हम मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।